आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 26 नवंबर के शुभवर्तमान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारे अंदर एक प्रकार से करुणा हो, दया हो और हम औरों की सेवा करें। अब इंसान दुनिया में जहाँ फ्लड होता है, अर्थक्वेक होती है, वहाँ पे जाकर के धन से सेवा करता है, कुछ समय उनको रिलीफ देता है, लेकिन तो अंदर चोटें लगी हुई हैं, जो अंदर दुख है, जो पेन है, वो दुआओं से और ज्ञान की शक्ति से कम होता है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो समय चल रहा है उसमें हर क्षण में हम हर किसी की सेवा करें, हर किसी तक पहुँचें। और ये सेवा करने में मेवा तो मिलता ही है, लेकिन वो मेवा क्या है सबसे पहला, वो आज हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि हमें शक्तिशाली भी बनाता है, तंदुरुस्त भी बनाता है मन से और तन से। तो देखिए आज परमात्मा हमें इस संगम युग पर क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताज़ा फल खाने वाले, जैसे कर्म का फल होता है ना, तो ये भी फल है, ताज़ा फल हो, आपने कर्म किया और इंस्टेंट मिले। दुनिया वाले कहते भी हैं कि कलयुग में जो बुरा कर्म करता है उसको एक सेकंड के अंदर उसका मिल जाता है, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है। आप जो सोचोगे आपकी स्थिति बनेगी, आप जो बोलोगे आपकी स्थिति बनेगी, आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल मिलेगा। और सोचना, बोलना और करना, हर तीनों चीज का फल इंस्टेंट आता है, एक सेकंड में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आज इंसान के पास में सहन करने की शक्ति नहीं है। आप किसी को कुछ ऊंचा बोल दो, गलत बोल दो, उसको सहन नहीं होता, वो आपको एक सेकंड के अंदर वापस जवाब दे देता है और आपको उसको फेस करना। अगर आपके अंदर फेस करने की ताकत नहीं है तो फिर आप उस समय खुद मूड ऑफ दुखी हो जाते हैं और वही आपका फल है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है, जो एक ही पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, कि आप इस समय फटाफट जो आप अच्छा कर्म करते हैं आपको उसका फल मिलता है। मुझे याद आता है, आज सुबह मैं अपने एक जान पहचान के व्यक्ति से बात कर रहा था एंड वो किसी संस्था के साथ में जुड़ करके सेवा में लगा हुआ है। उसने वो फ्री सेवा दी उसको, संस्था को, और उसने जो भी किया, लेख लिखा, जो भी कार्य किया, उसके द्वारा उसको बहुत खुशी हुई। और वो खुशी संस्था ने पैसे देकर के नहीं दी, लेकिन जो दुआएं मिली, जो उसको उसके बारे में उसकी कलाओं के यूज करने पर उसको जो और लोगों से धन्यवाद मिला, उसी की खुशी के कारण वो आज खुश था। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब हम सेवा करते हैं किसी भी प्रकार की, हमें खुशी मिलती है और ये खुशी ही हमारे लिए खुराक बन जाती है, हमारे सेहत को चला करेगी। क्योंकि अगर खुशी मिलती है तो मन अच्छा तो हॉर्मोन्स आपके ठीक ठाक है, और अगर आपके हॉर्मोन्स ठीक ठाक है तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली ठीक ठाक चलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सेवा से होता है। आज इंसान चाहता है कि मैं कुछ खरीद लूँ, कुछ अकम्पलिशमेंट कर लूँ, धन संपत्ति में कर लूँ, तो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, मैं कहीं घूम के आ जाऊँ, कुछ खरीद लूँ मैं, ताकि मुझे अंदर अंदर खुशी मिले, तो वो इंसान उस भाग दौड़ में थक जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप अगर जाने की जगह देना शुरू कर दो, देना भी क्या है, ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ज्ञान जिसको देने में कोई खर्चा नहीं लगता है, तो आपके अंदर खुशी मिलेगी। आप किसी को हेल्प कर दो उसके डिप्रेशन से बाहर, उसके एंग्जाइटी से, उसके डर से, उसके पेन जो हो रहा है उसके जीवन में, मानसिक पेन, उसे दूर करवा दो किसी को, और उसमें जितनी खुशी मिलती है वो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ अरब कमाने पे भी नहीं मिलेगी। और ये जो खुशी होती है ना, ये बरकरार रहती है, वो आज आपने कमाया कल चला गया, लेकिन ये जो दुआओं की खुशी होती है वो सदा काल लास्ट तक चलती है। कौन सी कमाई बेटर है इसके हिसाब से। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं, जिसने इंस्टेंटली अच्छा कर्म किया और उसको ताजा फ्रूट मिल गया, वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं, मन से तो होती हैं और ऑटोमेटिकली तन से भी होते हैं, इनडायरेक्ट असर पड़ता है, कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती, कोई भी बदुआएं उनको लग नहीं सकती, क्योंकि उनके कर्म का जो खाता है, पॉजिटिव है वो ज्यादा है और नेगेटिव कम होता जाता है। और जहाँ पर उनके पास में दुआओं का खाता बढ़ता जाता है, कर्म बदलते जाते हैं, वहां पर उनको कोई कमजोरी नहीं आती है, उनको दुआएं ही उनको आगे लेके जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं,
कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो कि हाँ ज्ञान मुझे मिल गया, मैंने अपने लिए विजडम पाली, मैंने अपनी सिचुएशंस में अपने आप को काबू कर लिया, और फिर औरों का मैं क्यों देखूं, औरों को क्यों ज्ञान दूं, औरों को देने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूं ना, मैं खुद ठीक हूं ना। परमात्मा कहते हैं हाँ चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने आप को ठीक करोगे तो आप सेवा भी कर पाओगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं साथ में है कि आपको औरों को मदद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में सिचुएशंस और कठिन हुई है और होती जा रही है। आप जितने लोगों को मदद करोगे उतनी आपकी खुद की खुशी और आपकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन अगर आप कुंभकर्ण की जैसे सो जाओगे, सेवा भी नहीं करोगे, और अगर आप इस ज्ञान को सिर्फ केवल अपने लिए ही यूज करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं और आपके आजू बाजू कमजोर पड़ गए लोग, उनकी अगर अवस्था कमजोर होगी क्योंकि आपने उनकी सेवा नहीं करी, तो उसका असर किस ऊपर आएगा। एग्जैक्टली, इसलिए अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। अलर्ट किस में रहना है कि मुझे अपने आप को भी ठीक रखना है, औरों को भी मुझे मदद करनी है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर बार बार जब हम किसी को मदद करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं मदद करने की, तो हमें सोचना पड़ता है ना कि मेरे पास में कौन सा टूल है, मेरे पास में कौन सा औजार है, उसको क्या चीज़ की जरूरत है। उसी तरीके से जब हम किसी को मानसिक रूप में हेल्प करते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कौन सी ज्ञान की बातें हैं जो कि इसको हेल्प करेंगी। और जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हो, क्योंकि इट्स लाइक अ रिविजन, आप रिवाइज कर रहे हो अच्छे विजडम के पॉइंट्स को, और जो जितना रिवाइज करते हैं विजडम के पॉइंट्स को, क्योंकि उसको और मदद करनी होती है, उसकी सिचुएशन मानसिक स्थिति बहुत ताकतवर होती है। सोचिएगा एक बार, इसलिए देने में ही लेना है। तो आज का ये शुरुआत, आप भी इस चीज़ को गहराई से समझे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर के वहाँ से विद्या लीजिए जहाँ पर भी आप रहते हैं, और साथ ही साथ आपका अपना भला करें और का भी भला करें। इसके साथ ओम शांति।